बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को अब अगले मैचेस नामीबिया और स्कॉटलैंड के माबेन खेलने हैं और इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग में अचानक बड़ी तब्दीलियां हुई है। क्या आप मजीद तफसील जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में आप भाई जितना जरूर बताए। T20 वर्ल्ड कप 2021 का फाता कौन सी टीम होगी, इस हवाले से कमेंट सेक्शन आपके कमेंट्स का मंतजर रहेगा। पाकिस्तान टीम लगातार 3 मैचेस में कामयाबी के बाद T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मशरूत रसाई हासिल कर चुकी है। चौके राउंड के यकीनन मैचेस कमजोर टीमों के खिलाफ है, इसलिए तजुर्बाकार सीनियर क्रिकेटर की तरफ से टीम मैनेजमेंट को मशवरा दिया गया है कि टीम कॉम्बिनेशन ट्राई करने का इससे बड़ा मौका और नहीं मिलेगा, इसलिए कुछ क्रिकेटर को आराम देकर बेंच पर बैठे क्रिकेटर को आजमा लिया जाए। साबिक क्रिकेटर की तरफ से मशवरा दिया गया है कि अगर बेंच पर बैठे क्रिकेटर को ट्राई किया जाता है तो इस तरह कौमी टीम के पास ऑप्शन बढ़ जाएंगे जो बड़े मैच सेमीफाइनल के लिए भी मदद दे सकते हैं। बल्लेबाजों में फखर जमान को आराम देकर उनकी जगह हैदर अली चुके हिटिंग करना बेहतर जानते हैं, उन्हें मौका दिया जाए। मोहम्मद हफीज कुछ बेहतरीन नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें 2 मैच आराम देकर उनकी जगह अच्छे ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज को मौका देकर देख लेने पर गौर जारी है। हसन अली की किस्मत वर्ल्ड कप में साथ नहीं दे रही है तो उनकी जगह मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाने पर भी गौर किया जा रहा है। दूसरी जानब पूरी इंडिया मीडिया पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम आसिफ अली और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तारीफें हो रही है और कह रहे हैं कि इस साल T20 वर्ल्ड कप का फाता पाकिस्तान टीम यकीनी तौर पर हो सकती है।